Dr. Prerna Srivastava. So today we are going to read about ENaC. सुना होगा आपने नाम ये ENaC, very common disease, okay? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में भी ये डिसीज़ आती है. सो वॉट इज़ ENaC? सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं. ENaC मीन्स एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस. ओके, मीन्स ये कैसे डिसीज़ है? इट इज़ एन एक्यूट डिसीज़, सडनली होती है. ओके, नॉट अ क्रोनिक डिसीज़, क्रोनिक कोर्स नहीं है. नेक्रोटाइजिंग मीन्स इसमें जिंजाइवा की, सबसे पहले तो जिंजिवाइटिस मीन्स मेनली ये ओरल कैविटी को इन्वॉल्व करती है, और इसमें जिंजाइवा में क्या होने लगती है? नेक्रोसिस होने लगती है, सेल डेथ होने लगती है, दैट्स वाई नेक्रोटाइजिंग. अल्सर्स होते हैं, इसके एक स्पेसिफिक अल्सर्स होते हैं, वी विल रीड इट लेटर इन द लेक्चर. सो अल्सरेटिव एंड जिंजिवाइटिस, जिंजाइवा में इन्फ्लामेशन होता है, इट इज़ अ सीवियर इन्फ्लामेटरी डिसीज अलॉन्ग विथ नेक्रोसिस एंड अल्सर्स ऑफ जिंजाइवा एंड एक्यूट इन ऑनसेट, सडन ऑनसेट ऑफ डिसीज, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ENaC, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस. अब ये जो ENaC है, इसके अदर नेम्स भी हैं, लाइक ट्रेंच माउथ, ओके, विंसेंट एंजाइना, ओके, इसे और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेंच माउथ, विंसेंट एंजाइना और विंसेंट डिसीज. ओके, विंसेंट एंजाइना क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज ड्यू टू विंसेंट ऑर्गेनिज्म. विंसेंट ऑर्गेनिज्म मीन्स एक बैक्टीरिया होता है फ्यूजीफॉर्म बेसिलाई, उसके कारण ये डिसीज होती है. एंड वाई इट इज़ एंजाइना? बिकॉज इन दिस डिसीज सीवियर पेन अक्कर्स, बहुत सीवियर पेन होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विंसेंट एंजाइना. ट्रेंच माउथ क्यों बोलते हैं? इसके लिए एक हिस्ट्री है इसकी. क्या हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? ओके, अब वॉर का टाइम कैसा होता है? वॉर का टाइम इज़ अ फुल ऑफ स्ट्रेस. ओके, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. तो क्या हुआ था जो वॉर के टाइम, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जो सोल्जर्स होते हैं, आपने सुना होगा या देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या रियलिटी में, कि सोल्जर्स जो होते हैं वो बॉर्डर एरिया पे ऐसे ट्रेंच बना लेते हैं. ओके, ट्रेंच मीन्स ऐसे गड्ढे बना लेते हैं, और उस ट्रेंच में कॉम्बैट टाइप की, वो उसके लिए बचने के लिए, दुश्मनों से, एनिमीज से बचने के लिए, और वहाँ से फायर करने के लिए वो ट्रेंच बना लेते हैं. और ट्रेंच में, एक ट्रेंच में कई सारे सोल्जर्स रहते हैं, 8 to 10, 15, 20 सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं. अब वो सोल्जर्स होते हैं वो उस ट्रेंच में काफ़ी दिनों तक रहते हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम. ओके, और उस टाइम पर क्या होता है, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है. आप समझ सकते हो वॉर का टाइम कैसा है, नॉर्मल पब्लिक भी स्ट्रेस में होती है, तो फिर तो वो सोल्जर्स हैं, उन्हें देश की रक्षा करनी है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, ये सारी चीज़ें. तो ये देखा गया कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो वहाँ के सोल्जर्स थे हु आर लिविंग इन ट्रेंच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर, उन्हें पे देखा गया कि उनकी जो जिंजाइवा है, ओरल कैविटी है, जब वो बाहर आए तो उन्हें वहाँ पे सीवियर पेन हो रहा था, जिंजाइवा में इन्फ्लामेशन था, ब्लीडिंग थी, बैड ब्रीथ आ रही थी, ठीक है, सीवियर अल्सर्स हो रहे थे जिंजाइवा में, विच आर हाईली पेनफुल. ओके, और फिर जब डायग्नोज किया गया तो पाया गया कि मैनी सोल्जर्स आर सफरिंग फ्रॉम दोज डिसीजेस, और वो जितने भी सोल्जर्स थे दे आर ऑल लिविंग इन सेम कंडीशन, एक ही कंडीशन में रह रहे थे. तब फिर उस डिसीज को एक और नाम दिया गया ENaC को, ट्रेंच माउथ, कि जो सोल्जर्स ट्रेंच में रह रहे थे उनके माउथ में ये डिसीज दिखाई दी गई, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेंच माउथ डिसीज. समझ आया? तो ये थी एक इसकी हिस्ट्री ऐसे. तो ये होता है, तो ENaC जो है, ENaC विच टाइप ऑफ डिसीज, सडन ऑनसेट, ओके, सीवियर इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिसीज. तो ये होती है आपकी ENaC, और मेनली जिंजाइवा में होती है, ओरल कैविटी में होती है. सो दिस इज योर
एमक डिसीज, ये आपका इंट्रो हो गया. ओके, नाउ इटियोलॉजी. इटियोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो आपकी ये होती है एनग होती है, सेवरल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. इटियोलॉजी में फर्स्ट देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व. तो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी कि इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज मेनली कॉज बाय फ्यूजीफॉर्म बैसिलाई. ओके, ये तो फर्स्ट इज योर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इटियोलॉजी में ही देखेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स, तो उसमें आपने एनक का नाम सुना होगा कि इट इज़ अ वेरी कॉमन बैक्टीरियल डिसीज विच इज सीन इन एड्स पेशेंट, मोर कॉमनली सीन इन एड्स पेशेंट. तो एनक एक एड्स पेशेंट में भी मोर कॉमन है डिसीज है. ओके, सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जो कि एनक करवा सकते हैं. तो वन इज योर पुअर ओरल हाइजीन. मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर टू की कहानी, हाइजीन मेंटेन नहीं थी सोल्जर्स की. ओके, सो पुअर ओरल हाइजीन. और इसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा पुअर ओरल हाइजीन के अलावा डिफेक्टिव प्रोस्थेसिस. पेशेंट को कोई प्रोस्थेसिस लगी है ओरल कैविटी में जो कि डिफेक्टिव है, प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे फूड एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है, एंड ड्यू टू विच एनग इज अकरिंग. और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो लाइक विटामिन बी सी. ओके, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मेनली विटामिन्स डेफिशिएंसी. ओके, तो ये हो सकता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में. अदर देन दैट और क्या हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अलावा, डिसीजेस, डेबिलिएटिंग डिसीजेस मींस If person is suffering from some type of systemic diseases due to which एनग is occurring, मतलब ऐसे diseases जिसमें एनग more common है. okay? तो debilitating diseases की बात करें तो क्या आ जाएगा इसमें, AIDS, cancer, diabetes. okay? दीज आर एनीमिया. ये सारी डिसीजेस हैं जिसमें कैंसर, ये एनक जो है वो कॉमन है. ओके, ल्यूकेमिया वगैरह सब, तो ये डेबिलिएटिंग डिसीजेस हैं. और एक और फैक्टर आता है, दैट इज योर स्ट्रेस, साइकोटिक फैक्टर. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम क्या था, सोल्जर्स क्या थे, ना हाइजीन मेंटेन हो रही थी, ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा था, डाइट भी कॉम्प्रोमाइज थी, साथ में वो एक सीवियर स्ट्रेस की कंडीशन से निकल रहे थे. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कॉजिंग एनक. इन सारे फैक्टर्स के कारण एनक हो सकता है. सो दीज आर योर इटियोलॉजिकल एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर एनक. लिख लीजिए आप लोग. ओके, तो ये था इंट्रो एंड इटियोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, मींस अगर किसी को एनक हुआ है तो क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, किस एज में कॉमन है. ओके, कैसा अपीयर होगा, हाउ इट अपीयर्स, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू रीड अंडर क्लिनिकल फीचर्स. सो क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट इज योर एज.
किस एज में कॉमन है एनक? ओके, सो एनक जो होता है ये यंग एज में ज़्यादा कॉमन है, एक्यूट डिजीजेस है. ओके, तो ये ज़्यादा किस एज में दिखाई देता है? 15 to 30 इयर्स की एज में. चिल्ड्रंस में भी कॉमन है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पुअर ओरल हाइजीन, एंड मेनली कॉमन है यंग एज में. सो इसकी एज कैसे वेरी करती है? 15 to 30 इयर्स. ओके, साथ में चिल्ड्रंस में भी. में रीजन क्या होगा? चिल्ड्रंस में रीजन होगा आपका पुअर ओरल हाइजीन. ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. दोस चिल्ड्रंस हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनमें ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं. ओके, और जो यंग पेशेंट है इसमें क्या फीचर्स होगा? स्ट्रेस होगा, डाइट होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं. ओके, सो एज. नेक्स्ट इज योर एज के बाद इसके पढ़ रहे हैं साइंस. क्या साइंस रहेंगे? तो साइंस की बात की जाए तो क्या क्या साइंस होंगे इसमें? इसमें पेशेंट को बैड ब्रीथ होगी, ठीक है, सीवियर पेनफुल अल्सर्स होंगे. पेशेंट बोलेगा बहुत सीवियर पेन हो रहा है, अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं बार बार, ठीक है, अभी एक दो दिन से तीन दिन से छाले हो रहे हैं, काफ़ी सीवियर पेन है. पेशेंट को फीवर होगा, पेन के कारण फीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है, पेशेंट और क्या होगा, पेशेंट में जिंजाइवल ब्लीडिंग होगी, टच करने पे जिंजाइवा से ब्लीडिंग होने लगेगी, बैड ब्रीथ होगी. तो ये सारे साइंस पेशेंट में दिखाई देंगे. तो क्या क्या साइंस होंगे? बैड ब्रीथ, फीवर, पेन, सीवियर पेन, ओके, अल्सर्स. सो ऑल दीज फीचर्स, ये जिंजाइवल ब्लीडिंग, सो ऑल दीज फीचर्स आर सीन इन एनक पेशेंट. ये सारे साइंस दिखाई देंगे एनक पेशेंट में. ओके, नेक्स्ट इज योर सिम्टम्स. सिम्टम्स की अगर बात की जाए, जब हम पेशेंट का माउथ ओपन करवा कर देखेंगे तो क्या सिम्टम्स फील होंगे? वी फील दैट कि जो टूथ है वो स्लाइटली कैसा लग रहा है? एक्सट्रूडेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो सॉकेट से थोड़ा सा बाहर आ गया है. क्यों? क्योंकि पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं? डैमेज हो रहे हैं, पीडीएल फाइबर्स भी डैमेज हो रहे हैं. तो टीथ स्लाइटली क्या दिखेगा? एक्सट्रूडेड दिखेगा. टीथ में स्लाइटली क्या दिख सकती है? मोबिलिटी भी दिख सकती है, जिंजाइवल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, अल्सर्स दिखाई देंगे. तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे. मेनली क्या दिखाई देगा? एक्सट्रूजन ऑफ टीथ, ये एक्सट्रूडेड टीथ, मोबिलिटी, टीथ, ये फीचर्स दिखाई देंगे सिम्टम्स. तो ये पेशेंट के माउथ में फील होगा. नाउ अपीयरेंस, कैसा अपीयर होगा एनक? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस, तो एनक में एक स्पेसिफिक अपीयरेंस दिखता है अल्सर्स का, दैट इज योर पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स. पंच्ड आउट मीन्स उसकी मार्जिन्स कैसी होंगी? ऐसे उठी हुई होंगी, और बीच में क्रेटर लाइक क्या होगा? डिप्रेशंस होगा. इट इज़ अ बेसिक पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ एनक. ओके, ये एक ऐसा अल्सर्स का फीचर है जो मेनली एनक में दिखाई देता है. इसी तरह के अल्सर्स एनक में दिखाई देंगे. तो एनक के स्पेसिफिक अल्सर्स कैसे होते हैं? पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर. पंच्ड आउट मीन्स इसकी मार्जिन्स क्या होंगी?
उठी हुई होंगी और बीच में क्रेटर लाइक डिप्रेशन होगा। और ये जो डिप्रेशन है, यहाँ पे जो आपका अल्सर है वो किससे कवर होगा? इट इज़ कवर्ड बाय अ स्यूडो मेम्ब्रेन। किससे कवर होगा? वो एक स्यूडो मेम्ब्रेन से कवर होगा। ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई होती है? तो स्यूडो मेम्ब्रेन इट इज़ मेड अप ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, ओके, नेक्रोटिक एपिथीलियल टिश्यू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, फाइब्रिन्स वगैरह, इनकी बनी हुई होती है। तो मेनली अपीयरेंस में आपको क्या दिखाई देगा इसमें? पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स। ओके, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स कवर्ड बाय स्यूडो मेम्ब्रेन। ओके, तो ये कवर होंगे ऐसे स्यूडो मेम्ब्रेन से, इस तरह से कवर होंगे। तो ये आपको दिखाई देगा, ये एक स्पेसिफिक अपीयरेंस है एनक का, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर, जिसमें इसकी मार्जिन्स कैसी होंगी? पंच्ड आउट होंगी, बीच में डिप्रेशन होगा क्रेटर लाइक, और ये कवर होगा स्यूडो मेम्ब्रेन से। ओके, सो दिस इज योर अपीयरेंस। इसके अलावा और क्या दिखाई देगा? तो और नेक्स्ट फीचर्स हैं आपके, फीवर होगा, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे नेक एरिया के, सर्वाइकल एरिया के। इसके अलावा कुछ सिस्टमिक फीचर्स भी दिखेंगे। सिस्टमिक में आपको और क्या दिख सकता है? जैसे कि फीवर तो है ही, मेलास, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ओके, सो ऑल दीज फीचर्स आर सीन इन योर सिस्टमिक, साथ में फीवर, हेडेक, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। ओके, तो दीज आर द फीचर्स विच आर सीन इन योर एनग पेशेंट, एनग डिसीजेस में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। साइंस में कुछ ये फीचर्स भी हो सकते हैं, लाइक ने जैसे कि मेटेलिक टेस्ट एक आएगा ड्यू टू इन्फेक्शन, और क्या होगा साथ में मेटेलिक टेस्ट के साथ? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट नहीं आएगा पेशेंट को, खाने पे टेस्ट नहीं आ रहा है, चीज़ों पे टेस्ट नहीं आ रहा है, तो लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो ऑल दीज फीचर्स आर सीन इन योर एनग पेशेंट। ओके, लिख लीजिए। ओके, so these are clinical features seen in your ANAG patient. Now stages, ANAG के stages देख रहे हैं। तो ANAG consist of four stages, ANAG में कितनी stages होती हैं? Four stages. First is your stage वन। stage वन में क्या होता है? जो ANAG होता है ये mainly कहाँ से start होता है? Interdental papilla, कहाँ से start हो रहा है ये? इंटरडेंटल पैपिला, मीन्स दो टूथ के बीच में जो पैपिला होता है आपके प्रॉक्सिमल एरिया पे, कोल एरिया पे, वो होता है आपका इंटरडेंटल पैपिला। तो स्टेज वन में आपको इन्फेक्शन कहाँ पे दिखाई देगा? आपको इन्फेक्शन इन्वॉल्व होगा इंटरडेंटल पैपिला में, इन्वॉल्व इंटरडेंटल पैपिला। नेक्स्ट इज योर स्टेज टू। अब स्टेज टू में स्प्रेड होगा, तो स्टेज टू में ये इंटरडेंटल पैपिला के साथ और किसको इन्वॉल्व कर लेगा? मार्जिनल जिंजाइवा, कहाँ पे होगा? मार्जिन्स ऑफ जिंजाइवा में, ये जो सर्वाइकल एरिया में मार्जिन होती है वहाँ पे, जिंजाइवा की जो मार्जिन होती है वहाँ पे, और वही आपको पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स दिखाई देंगे। इंटरडेंटल जिंजाइवा, मार्जिनल जिंजाइवा, कहीं भी हो रहा है, अपीयरेंस उसका कैसा होगा? पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। तो स्टेज टू में किसको इन्वॉल्व करेगा? इंटरडेंटल प्लस मार्जिनल जिंजाइवा। ओके,
इंटरडेंटल प्लस मार्जिनल जिंजाइवा को इन्वॉल्व करेगा। फिर आ गया स्टेज थ्री, स्टेज थ्री में क्या होगा, इंटरडेंटल हो गई, मार्जिनल हो गई, अब ये इन्वॉल्व करेगा अटैच्ड जिंजाइवा को, मतलब अब स्प्रेड कहाँ पे होगा, इंटरडेंटल, मार्जिनल एंड अटैच्ड जिंजाइवा। तो इसमें क्या होगा, इंटरडेंटल, मार्जिनल एंड प्लस अटैच्ड जिंजाइवा। ओके, एंड लास्ट इज योर स्टेज फोर। स्टेज फोर में जिंजाइवा तो होगी ही ऑल, प्लस बोन को इन्वॉल्व कर देगा, डिन्यूडेशन ऑफ मीन्स बोन का डिस्ट्रक्शन करवा देगा, जिंजाइवा को इन्वॉल्व करेगा, साथ में इट विल इन्वॉल्व द बोन ऑल्सो, बोन में डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर योर स्टेजेस ऑफ एनग। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, एनग अदर पार्ट्स में स्प्रेड होता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में ये कहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, इंटरडेंटल पैपिला और इंटरडेंटल जिंजाइवा को इन्वॉल्व करेगा। सेकेंड स्टेज में इट विल गोइंग टू स्प्रेड टू मार्जिनल जिंजाइवा। इन थर्ड स्टेज इट इन्वॉल्व इंटरडेंटल, मार्जिनल प्लस अटैच जिंजाइवा, एंड इन फोर्थ स्टेज इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। और सब में आपको कैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, क्रेटर लाइक अल्सर्स। ओके, सो ये हो गई आपकी स्टेजेस ऑफ एनक, लिख लीजिए। तो ये आपके कंप्लीट करते हैं स्टेजेस। अब पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस, हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस दैट इट इज एनक। तो डायग्नोसिस में अगर डायग्नोस करें तो सबसे पहले तो आपको क्या दिखेगा, आपको लैब डायग्नोसिस में दिखेगा बैक्टीरिया, फ्यूजीफॉर्म बैसिलाई बैक्टीरिया दिखाई देगा। साथ में आपको डायग्नोसिस में और क्या दिखाई देगा, लैब डायग्नोसिस में आपको जो स्यूडो मेम्ब्रेन है, जो कि आप वहाँ से लेंगे, आपको स्यूडो मेम्ब्रेन दिखाई देगी। और वो जो स्यूडो मेम्ब्रेन होगी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें आपका होगा, आपके ये सेल्स होंगे, ठीक है, नेक्रोस्ड एपिथीलियल सेल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वहाँ पे, आपके वहाँ पे फाइब्रेंस होंगे, ठीक है, फाइबर्स, टूटे हुए फाइबर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लैब डायग्नोसिस में दिखाई देंगी। तो एक तो डायग्नोसिस क्या है, सबसे पहला एक देखते हैं पहले क्लिनिकल। क्लिनिकल में आपको मेनली क्या दिखाई देगा, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स। ओके, और अगर लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस में आपको दिखाई देगा स्यूडो मेम्ब्रेन। ओके, और ये स्यूडो मेम्ब्रेन आपकी किससे बनी हुई होगी, नेक्रोस्ड एपिथीलियल फाइब्रिन प्रोडक्ट्स, और साथ में आपका होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी स्यूडो मेम्ब्रेन में। ओके, देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मींस अगर एनक नहीं है, एनक तो है, एनक आपका एक ही हो गया, इसके अलावा और क्या चांसेस हो सकते हैं, मतलब ऐसी और कौन सी डिसीजेस हैं जो इनको रिसेंबल करती हैं, पर फिर जो अपने को मेन पॉइंट पता है, जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नो दिस इज़ नॉट
एनक दिस इज सम अदर डिसीज. ओके, तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं किससे, तो कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो इसको थोड़ा रिसेंबल करती हैं, कुछ फीचर्स इनसे मिलते हैं. पर अगर डिटेल में जाएंगे, उनके बेसिक फीचर्स देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू एबल टू डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ एनग और समथिंग एल्स. तो कौन कौन सी ऐसी डिसीजेस हो सकती हैं, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक आपका आता है ए ग्रेन्यूलो साइटोसिस. ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस, ओके, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एनग है कि ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस. तो जो ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस होता है, ये कैसे डिसीज़ है, ये थोड़ी सी क्रोनिक सिस्टमिक डिसीज़ है, मीन्स इसमें सिस्टमिक फीचर्स भी दिखाई देंगे. साथ में क्या होगा, इसमें सीवियर इन्फ्लामेशन नहीं होगा. जबकि एनग में क्या हो रहा था, एनग एक कैसी है, इट इज़ अ सीवियर इन्फ्लामेटरी डिसीज़. बट इन दिस देयर इज नॉट सीवियर, मार्क्ड सीवियर इन्फ्लामेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट इज योर ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस. तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें देयर इज नॉट मार्क्ड सीवियर इन्फ्लामेशन, ओके, एंड इट इज़ अ सिस्टमिक डिसीज़. तो ये हो गया, इस पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. नेक्स्ट है आपका पेम्फिगस. पेम्फिगस में भी अल्सर्स होते हैं, ओके, पर एनग में कैसे अल्सर होते हैं, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर. जबकि पेम्फिगस में ऐसे अल्सर्स नहीं होते हैं. और पेम्फिगस इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज़. कैसे डिसीज़ है, क्रोनिक, वाइल एनग इज अ एक्यूट डिसीज़. तो एक तो कैसे करेंगे, सीवियरिटी, ठीक है, पेम्फिगस क्रोनिक है, एनक क्या है, एक्यूट है. एंड सेकेंड पॉइंट डिफ्रेंशिएट का क्या हो जाएगा, अल्सर्स. पेम्फिगस के अल्सर पंच्ड आउट क्रेटर लाइक नहीं होंगे, जबकि एनक के होंगे, ओके. तो ये और कौन सा हो सकता है आपका, कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस में भी अल्सर्स भी हो जाते हैं. फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैंडिडियासिस इज अ वाइट लीजन, वाइट कलर की नहीं, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, स्क्रैपेबल है. जबकि एनग में ऐसा नहीं है. कैंडिडियासिस इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज़. जबकि एनग आपकी क्या है, एक्यूट डिसीज़ है. तो हिस्ट्री से पता चल जाएगा, ठीक है. और कैंडिडियासिस में देयर इज़ नो पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर, वाइल इन एनग देयर आर पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर्स. तो इन पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. और कौन सी डिसीज़ हो सकती है आपकी इसके अलावा, सिफिलिस. ओके, कैसे पता चलेगा फिर, सिफिलिस में भी ओरल अल्सर्स होते हैं. तो सिफिलिस इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज़. कैसी डिसीज़ है ये, क्रोनिक, जबकि एनग नहीं है. सिफिलिस में आपको जेनाइटल एरियाज में भी दिखाई देंगे अल्सर्स, एनग में नहीं दिखाई देंगे. एंड सेम पॉइंट, एनग के अल्सर्स कैसे हैं, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक, जबकि सिफिलिस के ऐसे नहीं हैं. तो ये पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. नेक्स्ट इज योर टीबी, ट्यूबरकुलर अल्सर. ओके, तो जो टीबी के अल्सर्स होते हैं, वो भी टंग में होते हैं, स्मॉल होते हैं, पेनफुल होते हैं हाईली. बट और कैसे पता करेंगे, टीबी के अल्सर्स कैसे होंगे, क्रोनिक. डिसीज सीवियरिटी कैसी होगी, क्रोनिक. जबकि एनक कैसी है, डिसीज कोर्स उसका कैसा है, एक्यूट है. एंड एनक के अल्सर कैसे होंगे, पंच्ड आउट क्रेटर लाइक अल्सर, जबकि टीबी के अल्सर्स ऐसे नहीं होंगे. तो ये पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे वेदर दे आर इट इज़ अल्सर्स फ्रॉम टीबी और एनक. ओके, सो दीज आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनक. और पॉइंट से आप फिर आप डिस्कस कर लोगे या डायग्नोस कर लोगे कि ये वो डिसीज़ नहीं है, ये तो एनक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको भी बता दिए हैं. कुछ ऐसे केस में भी अल्सर्स होने लगते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो उसमें तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लोगे, जैसे नहीं, या तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर पेशेंट कोई ऐसे ड्रग्स ले रहा है जिसके कारण इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें भी अल्सर्स हो जाते हैं. तो वो आप कैसे डायग्नोस करोगे फिर, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेके. और वो भी थोड़े से कैसे होंगे, क्रोनिक होंगे, इतने ज़्यादा एक्यूट नहीं होंगे. ओके, सो ऑल दीज आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनक. Now last is your treatment or management. How we treat एनक, एनक को treat कैसे करेंगे. Okay, तो सबसे पहले तो एनक में क्या करेंगे, एक
स्मॉल सा सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। सर्जिकल में क्या करेंगे, जो आपका स्यूडो मेम्ब्रेन बना है उसे रिमूव करेंगे, बिकॉज स्यूडो मेम्ब्रेन इज़ अ इन्फेक्शियस पार्ट। अगर उसे रिमूव नहीं करेंगे तो वो अगेन एंड अगेन इन्फेक्शन करवाता रहेगा। तो अवर फर्स्ट एम इज़ टू रिमूव द इन्फेक्शन, और वो जो लोकल इन्फेक्शन प्रेजेंट है स्यूडो मेम्ब्रेन के फॉर्म में अल्सर्स के ऊपर, वी हैव टू रिमूव दैट स्यूडो मेम्ब्रेन। तो पेशेंट को क्या करेंगे, उस एरिया में टॉपिकल एनेस्थीशिया देंगे, एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स, ठीक है, एनेस्थीशिया का जब असर होने लगेगा, आफ्टर दैट जो स्यूडो मेम्ब्रेन बनी हुई है उसे क्यूरेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। तो सबसे पहला है पॉइंट है रिमूवल ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन। ओके, स्यूडो मेम्ब्रेन रिमूवल क्या देंगे इसके लिए, पहले टॉपिकल एनेस्थीशिया, देन जिंजाइवल क्यूरेटेड। ओके, सो ये फर्स्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पेशेंट को बोलेंगे ओरल हाइजीन मेंटेन करो, मेंटेन ओरल हाइजीन, प्रॉपर ब्रशिंग करें, ओके, माउथ वॉशेस यूज़ करें, रिंस विथ माउथ वॉशेस, ओके। और क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स में आप क्या क्या दे सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन, बैक्टीरियल डिसीज है क्योंकि, एजिथ्रोमाइसिन का क्या डोज दोगे, इधर 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम, ओके, 7 डेज के लिए। और क्या दोगे आप, मेट्रोनिडाजोल 7 डेज के लिए, बीडी दिन में 2 बार, ठीक है, तो ये दोगे आप, एजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, अदर देन दैट आप सपोर्टिव थेरेपी दोगे, ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी वही ओरल हाइजीन मेंटेन करना, अगर आईवी फ्लूइड्स की नीड है तो आप वो दोगे पेशेंट को, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है तो, सीवियर कंडीशन है, थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो आप आईवी फ्लूइड्स दोगे पेशेंट को, ठीक है, ओआरएस वगैरह दोगे, प्रॉपर उसे ड्रिंकिंग अच्छी करनी है, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, या जो हो चुका है उसे रिकवर करना है, तो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डू इन आवर सपोर्टिव थेरेपी, ठीक। सो दिस कम्प्लीट्स योर ट्रीटमेंट ऑफ एनक, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता ही पूछता है, साथ में आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए एनक क्या होता है, उसे डायग्नोज करना आना चाहिए, उसके अल्सर्स को पहचानना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। So, thank you. We will meet again. Bye-bye.